सोरेन के संस्कृत कॉलेज में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त सोलन विनोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनका कॉलेज में पहुंचने पर भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और प्रधानाचार्य ने कॉलेज की उपलब्धियों का व्याख्यान किया। विद्यार्थियों ने इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसका लुफ्त जन समूह ने जमकर उठाया। मुख्य अतिथि विनोद कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा लेने का अर्थ तनाव नहीं है, जिसको समर्पित की भावना से ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों से आग्रह किया कि अपनी प्रतिभा को निखारने तथा उन्हें समाज की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करें। प्रधानाचार्य डॉ. रामदास शर्मा ने वार्षिक समारोह की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष भर की गई विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों से अन्य छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है, ताकि अन्य विद्यार्थी भी आगामी वर्ष में अव्वल आ सके। समारोह के अंत में विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार वितरण समारोह इस बार जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जिन विद्यार्थियों ने खेल कूद में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया था, उनको भी मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार वितरित किए गए। जिन बच्चों ने विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय के स्तर पर शैक्षणिक स्तर पर अच्छे अंक प्राप्त किए थे, उन सबको भी आज पुरस्कृत किया गया। इस सम्मान समारोह को आयोजित करने का ये लक्ष्य होता है कि बच्चों को प्रेरणा हो, बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें, शिक्षा के अतिरिक्त भी बहुत सारी जो विधाएं हैं उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लें और उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई होती है उस प्रतिभा में निखार हो और वो अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें।